और हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो में दोस्तों हम बना रहे मतलब कलर पेंट कर रहे काली माता को। दोस्तों काली माता को बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों अभी हम पेंट कर रहे व्हाइट कलर से। दोस्तों जहाँ जहाँ पे हमने अलग अलग कलर पेंट करेंगे वहाँ पे व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे दोस्तों, और जितने भी जहाँ पे भी ब्लैक कलर मारना है वहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि ब्लैक कलर तो वैसे भी ब्लैक ही होता है, इसलिए वहाँ पे छोड़ देंगे। और शिव जी को सब तरफ पेंट कर देंगे दोस्तों, पहले तो व्हाइट कलर से। दोस्तों शिव जी को पेंट कर दिए दोस्तों व्हाइट कलर से पूरे शरीर में मतलब सब जगह पे। और दोस्तों वहाँ पे मतलब काली माता को जो कि मुंड माला सब कुछ निकलने के बाद दोस्तों अभी हम ब्लैक कलर से पेंट कर दे रहे हैं शरीर में सब तरफ, इसी प्रकार से पेंट कर देंगे दोस्तों। शरीर के सब तरफ ब्लैक कलर को पेंट करने के बाद दोस्तों अभी हम होठों को और उसके जो टंग मतलब जीभ को दोस्तों लाल कलर से पेंट कर देंगे। और दोस्तों आई लाइन्स को जो कि आई सब कुछ को हमने जो जितने भी आँख को भी लाल कलर से पेंट कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से। और ब्लैक को फिर बाद में वहाँ पे आँख को पेंट कर देंगे मतलब आँख को बना लेंगे दोस्तों। आँख को बनाने के बाद दोस्तों अभी हम जितने भी सोना जो ये गोल्ड जो है व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे सब तरफ, मतलब जो भी मुंड माला जो भी है उसी सब को पेंट कर देंगे दोस्तों व्हाइट कलर से। तो मुकुट जो कि कान वाली सब कुछ को पेंट कर देंगे पहले, और उसके बाद दोस्तों अभी हम मुंड माला को भी पेंट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों सबको व्हाइट कलर से पेंट करने के बाद दोस्तों अभी हम एक हाथ में आग को पकड़ाए उसे हम येलो कलर से पेंट कर देंगे, और नीचे की तरफ रेड को पेंट करके दोस्तों वहाँ पे आग की तरह बना लेंगे। और दोस्तों अभी हम दोस्तों थोड़ा बहुत ब्राउन कलर ले लिए और येलो कलर को मिक्स करके जो कि गोल्ड पे पेंट कर रहे दोस्तों, थोड़ा बहुत गोल्ड कलर की तरह ही दिखता है इसलिए। और हमारे पास गोल्ड कलर भी नहीं है तो इसलिए वहाँ पे इसी प्रकार से कलर को मिक्स करके पेंट करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों गोल्ड को सब तरफ पेंट करने के बाद दोस्तों अभी हम मुंड वाला को और गोल्ड को दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से बना दिए दोस्तों, और बीच में दोस्तों हमने रेड कलर का यूज किया है दोस्तों। और यहाँ पे मुंड वाला में तो दोस्तों शरीर का कलर और बाल को तो ब्लैक कलर ही पेंट कर देंगे दोस्तों। अभी हम हथेली पे जो रेड कलर को पेंट कर रहे हैं इसी प्रकार से सब हथेली पे सब तरफ पेंट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसी तरह बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। मुंड माला को दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पे जो धागा है उसी से दोस्तों पीछे की साइड बांध देंगे। और अभी दूसरे माला मुंड माला जो हाथों पे पकड़ के रखा होगा वहाँ पे दोस्तों उसी को बना रहे हैं दोस्तों। काली माता को जो सब कुछ बनाने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे हैं शिव जी को कलर मतलब कलर पेंट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों शिव जी को नीला कलर नहीं पेंट करके दोस्तों हमने शरीर का कलर जो है पेंट कर रहे हैं दोस्तों। हम मतलब आप लोग चाहो तो यहाँ पे नीला कलर का भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि ब्लू कलर में थोड़ा बहुत व्हाइट मिला देंगे तो ब्लू कलर मतलब नीला कलर हो जाएगा। शरीर को पेंट कर देने के बाद दोस्तों अभी हम बाल को पेंट कर रहे हैं ब्लैक कलर से दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बाल कलर भी पेंट कर देंगे। और दोस्तों जो बचा है रुद्राक्ष माला जो उसे भी ब्राउन कलर से पेंट कर देंगे दोस्तों।
दोस्तों रुद्राक्ष सब कुछ पेंट करने के बाद दोस्तों अभी हम सांप को दोस्तों ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे और जो बीच वाला पार्ट में वहाँ पे दोस्तों रेड कलर से पेंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और वहाँ पे रख देंगे दोस्तों वहाँ पे हमारा तो टूट गया दोस्तों, इसलिए वहाँ पे इसे को कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे दोस्तों। दोस्तों शिव जी का जो तिलक है उसे बनाने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों, ये फाइनल लुक। ऐसा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।